बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 15 मार्च को ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सवाल पूछा है कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक के कारण 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को परेशानी हुई है, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा कि हमने 17 महीनों में 4 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां दी, कभी भी किसी नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ, अब ऐसा क्यों हो रहा है। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा कि हमने केवल 70 दिनों में 2 चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के जरिए 2 लाख से अधिक टीचर की नियुक्ति की। शिक्षक भर्ती परीक्षा के दोनों चरणों में 17 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के होने के बावजूद भी कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली, सभी नियुक्ति निष्पक्ष पारदर्शी और सहज प्रक्रिया से हुई। अब ऐसी कौन सी ताकत और तत्व बिहार सरकार में है जिसके कारण तीसरे चरण की नियुक्ति के लाखों परीक्षार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि तीसरे चरण में भी 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का नीतिगत निर्णय हमारे कार्यकाल में हमने कराया था। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि अब यह एनडीए सरकार इसे लटका अटका और भटका रही है, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। बता दें कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक होने की चर्चा थी। इसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने झारखंड पुलिस की मदद से पिछले 24 घंटे में करीब 250 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया। इन सभी को हजारीबाग से पटना लाया गया। इधर डीपीएससी का कहना है इस मामले की जाँच हो रही है, जाँच में जो बात निकल कर सामने आएगी उसके आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं छात्र नेता दिलीप कुमार ने TRI-3 पेपर लीक को सबूत के साथ उजागर करने का दावा किया है। उन्होंने परीक्षा रद्द कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। बिहार से जुड़ी और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।